दुनिया भर में अनेकों अजूबे मौजूद हैं जिनके राज पर से आज भी वैज्ञानिक पर्दा नहीं उठा सके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक अजूबों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप अब तक बेखबर हैं। वंडरफुल ब्लू होल। ब्लू होल पानी के अंदर पाई जाने वाली गुफाएं हैं जिनको सिंक होल भी कहा जाता है। विश्व भर में इस प्रकार की अनेकों गुफाएं हैं। सामान्यतः ब्लू होल कुछ कुछ गोलाकार होते हैं जिनकी दीवारें गहरी और स्थिर होती हैं। इनको ब्लू होल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पानी का रंग बाकी के पानी की तुलना में गहरा नीला होता है। ब्लू होल्स के भीतर का पानी लगभग रुका हुआ होता है और इनके भीतर ऑक्सीजन की लेवल काफी कम होती है, इसलिए इन समुद्री गुफाओं में काफी कम मछलियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। संसार का सबसे गहरा ब्लू होल डेंस ब्लू होल है जिसकी गहराई लगभग 200 मीटर है। दुनिया के बाकी ब्लू होल्स इसकी लगभग आधी गहराई वाले होते हैं। उनकी गहराई 100 से 150 मीटर तक होती है। अतीत के बर्फीले दिनों में जब समुद्र तल की गहराई 100 से 120 मीटर थी तब ब्लू होल्स का निर्माण इतनी गहराई में नहीं हुआ था। ब्लू होल्स देखने में जितने सुंदर होते हैं उनके भीतर की दुनिया उतनी ही रहस्यमय होती है। ब्लू आई ऑफ द सहारा डेजर्ट। क्या आपने सहारा डेजर्ट के नीली आंख के बारे में सुना है? अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा यह स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। यह अद्भुत कलाकृति धरती से ही नहीं बल्कि स्पेस से भी साफ तौर पर नजर आती है। यह कैसे बना यह आज भी एक रहस्य है। हर अनोखे निर्माण को एलियंस जोड़कर देखने वाले इसे भी एलियंस के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने लंबी खोज के बाद जो अनुमान लगाए हैं वो काफी तथ्यपरक है। कहा जा रहा है कि सहारा के इस इलाके में 6000 साल पहले समुद्र था। धीरे धीरे बदलाव आता गया और यह इलाका दुनिया का सबसे बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पानी के सिकुड़ने के चलते रेत और पानी ने मिलकर एक ऐसी आकृति का निर्माण कर दिया जो देखने में आंख की तरह लगने लगी। आगे चलकर इसे सहारा की आंख कहा जाने लगा। हालांकि ये इकलौती ऐसी आकृति नहीं है, इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती हैं, जिसमें बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। मिस्टीरियस वाटरफॉल। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद है जो हमें नेचर की असली खूबसूरती का एहसास दिलाती है। इन्हीं जगहों में से एक जगह है पुर्तगाल का वाटर होल। इस वाटर होल को देखने के लिए लाखों की मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। यह वाटर होल अंदर की तरफ बहता है। आज तक साइंस भी इस वाटर होल के रहस्य का पता नहीं लगा पाई है। यह वाटर होल पुर्तगाल के कुआओ डॉन कंचोस में मौजूद है। इस होल को अंडर वाटर फॉल भी कहते हैं। आप यहाँ पर पानी को अंदर की तरफ बहते हुए देख सकते हैं। पुर्तगाल के इस झील में मौजूद इस नेचुरल वाटरफॉल की गहराई 1500 मीटर है। पाताल लोक का रहस्य। पौराणिक कहानियों में पाताल लोक का जिक्र बार बार मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाताल लोक वाकई में होता है या ये सिर्फ कल्पना है। पाताल लोक के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि पाताल लोक कहाँ है। पाताल लोक का कई जगहों पर जिक्र मिलता है। नर्मदा नदी को पाताल नदी भी कहते हैं। इस नदी के भीतर कई ऐसे रास्ते हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। हालांकि समुद्र में भी कई ऐसे रास्ते हैं जो पाताल लोक तक पहुंचते हैं। पाताल लोक कोई कल्पना नहीं, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं जोधपुर के पास भी कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं हैं। यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियों के साथ ही एक ऐसा खंभा है जो लगातार बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास नागलोक होने का जिक्र है। पुराणों में नाग संप्रदाय का उल्लेख नागलोक के रूप में किया गया है जो धरती के अंदर ही है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसमें श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण अपहरण कर पाताल लोक ले जाता है। फिर वहाँ हनुमान जी जाते हैं और अहिरावण का संहार कर धरती पर उन्हें वापस ले आते हैं। त्रेता युग की इस पौराणिक कथा में जिस पाताल लोक का जिक्र है, क्या वह आज भी धरती के नीचे मौजूद है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निरंतर शोध जारी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मध्य अमेरिका महाद्वीप के हंडुरास में सियुदाद ब्लॉक नाम के गुम प्राचीन शहर की खोज की है। इस शहर को आधुनिक लैडर तकनीक से खोजा गया। लोगों का मानना है कि यही वह पाताल लोक हो सकता है जहां हनुमान जी गए थे और उन्होंने अहिरावण का अंत किया था। कैमूर की पहाड़ी गुफाएं। आपने दुनिया में मौजूद कई रहस्यमय गुफाओं के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको ऐसी गुफा के बारे में बताऊंगा जो काफी रहस्यमय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुफा का अंतिम छोर पर कोई नहीं पहुंच सका है। ये गुफा बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। इस पहाड़ी पर भगवान शिव का एक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर काफी पुरानी है। पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में स्थित शिवलिंग इस गुफा के अंदर जाने पर ही दिखता है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसका अंतिम छोर का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। शिव मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस गुफा का कोई अंत नहीं है। यह गुफा अंदर से काफी अंधेरी और डरावनी है। ऐसी भी मान्यता है कि यह वही जगह है जहां भस्मासुर को भस्म किया गया था और भगवान शंकर ने इस गुफा का निर्माण किया था। महाबलीपुरम का रहस्यमय नगर। महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक और रहस्यमय नगर है। यहाँ का पहला राजा राजा बलि था, इसलिए इसका नाम महाबलीपुरम है। हालांकि यह नगर कई बार उजाड़ हो गया, लेकिन मध्यकाल में इसे पल्लव राजाओं ने फिर से आबाद किया। इस बात से इस नगर की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है कि दैत्यराज बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी का दान इसी स्थान पर दिया था।
प्राचीन काल में महाबलीपुरम एक महानगर था। यहाँ पर विशालकाय और अद्भुत मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसका एक भाग अब समुद्र में समा गया है। यहाँ सैकड़ों मंदिर और गुफाएं हैं जो अपने आप में एक रहस्य हैं। दुनिया भर के लाखों पर्यटक इस शहर को देखने के लिए आते हैं। भारत के सात आश्चर्यों में से एक महाबलीपुरम में दफन है प्राचीन भारत का रहस्यमय इतिहास। ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमय और अजीबोगरीब जगहें। आप इन जगहों के रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।